नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी केन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी ABO के लिए पेपर टू का पहला टॉपिक शिक्षा का अधिकार संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें पहला टॉपिक है, आपने पेपर टू का सिलेबस देखा होगा तो शिक्षा का अधिकार आपका पहला टॉपिक है। यदि आप इच्छुक हैं ABO बनने के लिए तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है PG कोई भी विषय में, और साथ ही साथ BEd भी मांगी गई है। तो आपने BEd किया होगा तो आपके पास अच्छा मौका है। और ये जो है वेतन लेवल लेवल 8 के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसका सैलरी भी होगा और एक अच्छा मौका है आपके पास सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी बनने का। तो चलिए MCQs स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में विद्यालयों को क्या निर्देश दिया गया है? ऑप्शन देखें, विद्यार्थियों की प्रवेश पूर्व परीक्षा लेना, ये गलत है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम नहीं लेना है, कोई भी परीक्षा नहीं लेना है विद्यालय में जब बच्चे भर्ती होने के लिए आए। तो विद्यार्थियों से प्रवेश पूर्व किसी प्रकार की परीक्षा या प्रवेश शुल्क ना लेना, ये बिल्कुल सही है। किसी प्रकार का शुल्क और किसी प्रकार की परीक्षा नहीं लेने की बात निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कही गई है। विद्यार्थियों को दंड देना, ये तो बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो जब एक ऑप्शन सही हो जाता है तो इनमें से कोई का रोल नहीं होता, तो ऑप्शन यहाँ पर B सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के संबंध में शिक्षकों के लिए निषेध है, मतलब शिक्षकों के लिए मना है। अब कौन सी चीज़ मना है, पहले ऑप्शन देखते हैं। विद्यालयी शिक्षा के कार्य को करना, ये तो सही है और करना भी चाहिए। उसके बाद देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों के कार्यों के अतिरिक्त कार्य करना तथा शिक्षा के विकास की तुलना में सामाजिक कार्य को अधिक महत्व देना, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है तो आप वही काम करेंगे, उसके अतिरिक्त तो कोई भी काम नहीं करना है। तो निषेध है पूछा गया है, तो ये वाला ऑप्शन निषेध है। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षण गतिविधियों में पूर्ण सहभागिता देना तथा शैक्षणिक विकास के लिए कार्य करना, ये बिल्कुल सही है। शिक्षण में नवाचार अनुप्रयोग करना, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन B। आगे बढ़ते हैं साथियों। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय स्टडी कैन 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिंक है या आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम में कहा गया है, शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में इस अधिनियम में क्या कहा गया है? ऑप्शन देखते हैं, संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं, जी बिल्कुल ये सही है। अलग अलग राज्य सरकारें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, जैसे कि 12वीं पास प्लस DL Ed, ये प्राइमरी शिक्षकों के लिए अनिवार्य योग्यता है। इसके साथ राज्य या केंद्र सरकार द्वारा आयोजित TET परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। उसके बाद यदि आप मिडिल स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन, DL Ed, BEd और TET होना अनिवार्य है। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यदि आप हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके पास PG प्लस BEd और राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो ये तो हो गई संबंधित सरकारें द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं। उसके बाद इसमें ऑप्शन देखते हैं, आवश्यकता होने पर यदि आप प्रशिक्षित व्यक्ति अध्यापक नियुक्त किया जाता है तो उसे 5 वर्ष के भीतर निर्धारित योग्यताएं पूरी करनी होगी, ये पहले था, अब इसे हटा दिया गया है क्योंकि आप यदि BEd करते हैं तो आपके पास
योग्यता आ ही जाती है बेड या डीएलएड करते हैं तो दोनों ही बिल्कुल सही है, उपयुक्त तो दोनों कारण सही है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है? ऑप्शन देखें, प्रजातंत्रात्मक शैक्षिक प्रशासन में, सर्वहारा शैक्षिक प्रशासन में, आंतरिक शैक्षिक प्रशासन में, बाह्य शैक्षिक प्रशासन में। इसका सही जवाब होगा बाह्य शैक्षिक प्रशासन में। साथियों, यदि आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो ये हमारा आईडी है, यहाँ जा कर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। देखिए, बहुत कम लोगों ने हमें फॉलो किया हुआ है। पांचवा प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में बाधा है अपव्यय की समस्या, जन चेतना की कमी, शिक्षा महत्व की अज्ञानता, उपरोक्त सभी। अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में ये सभी क्या है? बाधा है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? ऑप्शन में दिया है, सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो हमारे देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए की गई है, ऑप्शन बी सही होगा। सातवां प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम वार्षिक शैक्षिक घंटे माने गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं, 200, 600, 400 और 800। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 800। आठवां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पूर्व में बालक को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक था? ऑप्शन देखिएगा, 86वां संशोधन 2002, 87वां संशोधन 2002, 86वां संशोधन 2001 और 86वां संशोधन 2005। तो इसका सही जवाब होगा 86वां संशोधन 2002, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नौवां प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से कक्षा 8 तक एक शैक्षिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है। इसमें ऑप्शन दिया है, 200 कार्य दिवस, 235 कार्य दिवस, 220 कार्य दिवस और 265 कार्य दिवस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 220 कार्य दिवस। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार किसी भी 1 से 8 तक के विद्यालयों में अधिकतम कितने प्रतिशत अध्यापकों के पद रिक्त हो सकते हैं? तो इसमें बताया गया है कि 10% अध्यापकों के पद रिक्त हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।